हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग, ये जितना महत्वपूर्ण ब्रह्मचारियों के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण गृहस्थों के लिए है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि संसार में हमारे अंदर जो पीढ़ियां पड़ी हैं, हम अक्सर कहते हैं कि बंधन का जीवन, रूपात बोलते थे कि इट्स लाइक शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ, जो अट्रैक्शन है स्त्री पुरुष का, ये एक बंधन क्रिएट कर रखा है भगवान ने, जिसके कारण से जीव संसार से अपने आप ही बाहर नहीं जा पाता है। उसको कोई रोकने के लिए चार दीवारी नहीं बनानी पड़ती है, कंटीले तारे नहीं लगानी पड़ती हैं, कोई बॉर्डर नहीं बनाने पड़ते हैं, कुछ सैनिक नहीं खड़े करने पड़ते हैं, खुद ही नहीं जाता है जब तक शुद्ध नहीं हो जाएगा। जब शुद्ध हो जाता है तो फिर उसको रोकने की जरूरत ही क्या है। तो भगवान की जेल ऑटोमेटिक जेल है, ऐसी जेल किसी ने नहीं बनाई आज तक, जहाँ पे कैदी अपने आप ही फंसा रहेगा और जब शुद्ध होगा तभी निकल पाएगा। और फंसा कैसे रहेगा, फंसा रहकर दुख भी पाएगा लेकिन जाएगा नहीं। तो यही कहानी है, इसी को ये दिखाती है उर्वशी और पुनर्वा की। तो उसने बोला कि एक साल में एक बार आएंगे, इस तरह से तुम्हें पुत्र मिलते, संतानें मिलती रहेंगी मुझसे। तो उसने इंडिकेशन दिया और वो समझ गया कि इसका मतलब यह जानकर कि उर्वशी गर्भवती है, पुनर्वा अपने महल में वापस आ गया। एक वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में ही उर्वशी से पुनः उसकी भेंट हुई, तब वह वीर पुत्र की माता। वर्ष के अंत में उर्वशी को फिर से पाकर राजा पुनर्वा अत्यधिक हर्षित हुआ और उसने एक रात उसके साथ संभोग में बिताई, किंतु उससे विलग होने के विचार से वह फिर से दुखी हो गया। इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार कहा। इस प्रकार से भगवद गीता में भगवान बताते हैं, गीता में न जाने कितने श्लोक इसके ऊपर भगवान ने बताया कि किस तरह से इंद्रियों का भोग करने से कभी व्यक्ति इंद्रियों से विरक्त नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली हमें इंद्रियों से इसको कहीं और एंगेज करके उनको शुद्ध करके विरक्त होना पड़ेगा। लेकिन कई सारे संतों ने, कई सारे साधुओं ने ये फिलॉसफी बनाई है कि कैसे आइए भोग कराएं, इतना भोग कराएंगे आपको कि आपको विरक्ति हो जाएगी। अगर आपको विरक्ति होगी भी तो वो थोड़े समय के लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे संसार में हम लोग माना गुलाब जामुन खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, आज भी खाते हैं, कल भी खाते हैं, परसों भी खाते हैं, तरसों भी खाते हैं, हो सकता है उसके बाद हमारे अंदर विरक्ति पैदा हो जाए। लेकिन ये विरक्ति ज्यादा दिन की नहीं होगी, ये विरक्ति एक हफ्ते की हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर इच्छा करेगी खाना ही खाना है, बल्कि और ज्यादा, अब तो उसको आदत सी पड़ने लग जाएगी धीरे धीरे। तो इस तरीके से उससे सुख मिलना समाप्त हो जाएगा लेकिन उसकी आदत पड़ जाएगी, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे सिगरेट है, सिगरेट लोग पीते हैं तो शुरू में बड़ा अच्छा सा लगता है तभी तो पीते हैं, वरना तो क्या है उसमें, या शराब है, लेकिन बाद में उससे सुख मिलना बंद हो जाता है, वो एक लाइफ की आदत बन जाती है। उसी तरह से ये सारी चीजें, चाहे वो सेक्स लाइफ हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये शुरू में अच्छा लगता है, उसके बाद आदत पड़ जाती है। नहीं करेंगे तो अत्यंत दुख होगा और करेंगे तो कुछ सुख भी नहीं महसूस होगा। हाँ, इट्स अ हैबिट नाउ, इट्स अ रूटीन नाउ। तो इसी तरह से उसने एक साल में एक बार, हाँ, लेकिन उसके बाद फिर से दुख। हाँ, ऐसा सुख जिसके लिए एक साल तक दुख झेलना पड़े, रोज एक मरे हुए इंसान जैसी जिंदगी हो जाए उसकी, और फिर एक दिन अचानक से जिंदगी में रोशनी आए थोड़ी देर के लिए और फिर एक साल तक अंधेरा रहे, कितनी दुखद जिंदगी है। इसके परे एक जिंदगी है जो कि हमेशा आकाश, हमेशा प्रकाशवान जिंदगी, जिसमें हमेशा कुछ एक्साइटमेंट है, लेकिन ये तुच्छ एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ही शुद्ध एक्साइटमेंट है, जिसमें शुद्धि है, संतोष है, और फिर भी एक्साइटमेंट, कितनी अजीब सी बात है। अब कई बार सुनते हैं कि संतोष अगर हो जाए तो फिर एक्साइटमेंट कहाँ रहेगी। एक ऐसा अजीब सा भगवान का संसार है जिसमें कि व्यक्ति संतुष्ट भी रहता है, हाँ, और फिर भी उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती रहती है, क्योंकि वो और कई चीजें, वैरायटी है, बहुत कुछ है, लेकिन ये तुच्छ चीजों को जब हम छोड़ेंगे तभी उस जगत में जा पाएंगे। तो पुनर्वा की हालत थोड़ी खराब होती गई, बद से बदतर होती चली गई। शायद वो ना मिलती तो एक बार को अपने मन को समझा लेता और हायर चीजों में लगाता, लेकिन अब वो मिल गई, अब ये होप बची है कि एक साल में तो एक बार मिलेगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, गाना ही बताता है कि वो एक दिन कब आएगा, न जाने वो एक दिन कब आएगा, जिस दिन हम कामयाब होंगे। क्योंकि जिस दिन हम कामयाब, ऐसा लगता है कि हम अपने पुराने मापदंडों पर खड़े उतर रहे हैं, तब तक कुछ नए मापदंड बन जाते हैं या सिचुएशन बदल जाती हैं, कोई पारिवारिक स्थिति बदल जाती है, जीवन में कुछ नए संकट आ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई सारे बड़े लोग होंगे, कई सारे छोटे भी होंगे, कई मिडिल एज भी होंगे, लेकिन सभी अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं कि कभी ये समय आ ही नहीं पाया कि जब वहां लगे हाँ अब सही है, नाउ इट इज परफेक्ट।
क्योंकि जैसे ही परफेक्ट होने लगता है तुरंत कोई नई समस्या आके खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से ये जो थोड़ा थोड़ा सा सुख मिलता है बीच बीच में, जैसे कि पुनर्वा को मिला एक एक साल में एक बार, ये सुख जो है और ज्यादा खतरनाक है, ध्यान रखिए। ये हमारे अंदर और ज्यादा लालसा और अटैचमेंट डेवलप कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग फिर उसी एक दिन के लिए कंसंट्रेटेड रहता है, विचार सारे वही बने रहते हैं। इसलिए इंद्रिय सुख का विचार भी अगर हमारे हृदय में आता है तो विचारों को काटना पड़ेगा। कई व्यक्ति बोलते हैं मेरे से क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम नहीं चाह रहे फिर भी गलतियां हो जा रही हैं, क्योंकि हम अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं ठीक है, हम कर थोड़ी ना, कुछ जैसे हम कहीं बैठे हैं कुछ देख रहे हैं, अचानक से कुछ विचार आया तो उसको हमने पनपने दिया, उसको हमने काटा नहीं, वहीं पर रोका नहीं। हाँ, फिर क्वेश्चन ये आता है कैसे पता चलेगा ये विचार गलत है, तो इसीलिए तो रोज के डेट में आप श्रवण और पठन कर रहे हैं। अगर श्रवण पठन करने के बाद भी आपको नहीं पता चल रहा, ऐसा नहीं है आपको पता नहीं चल रहा, बल्कि ऐसा है कि आप उन पे कंट्रोल नहीं लगा रहे, आप आलसी हैं अपने विचारों को लेकर। देखिए, विचारों को लेकर भी व्यक्ति आलसी हो सकता है, जैसे आलसी फिजिकली आलसी होता है, मेंटली आलसी व्यक्ति वो है जो अपने विचारों को तुरंत लगाम नहीं लगा रहा है। लगाम लगाने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, हो सकता है आपको तुरंत भगवद गीता पढ़नी पड़े, हो सकता है आपको लेक्चर सुनना पड़े, हो सकता है आपको जप करना पड़े या किसी सेवा में एंगेज होना पड़े, लेकिन उस विचार को अगर आपने तुरंत नहीं रोका तो इसी तरह वो धीरे धीरे पनपता पनपता क्या करेगा, अटैचमेंट पैदा करेगा, लस्ट पैदा करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजा की बहुत बुरी हालत है। उर्वशी ने कहा, हे राजन तुम गंधर्वों की शरण में जाओ क्योंकि वो मुझे पुनः तुम्हें दे देंगे। यानी कि बड़ी दया आ गई उर्वशी को, ये बेचारा तो गरीब आदमी है, इसलिए तो कहते हैं कि गरीब कौन है। प्रभुपाद जब कहते थे कि अरे गरीब तो हर वो व्यक्ति है जो भगवान से दूर है। पुनर्वा सारा संसार का राजा, इतना बड़ा राजा, वो उसको तरस आ रहा है, राजा के ऊपर तरस आ रहा है। देखिए कौन है ना, एक व्यक्ति के कितना संपन्न है कैसे पता चलेगा। माना कि एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ है खाने को, लेकिन फिर भी उसकी हैंकरिंग है कुछ और करने की। हैंकरिंग किसको होती है, लालसा, जो भूखा होता है, गरीब होता है। और एक गरीब है, माना वो दो रोटी में एकदम संतुष्ट है, भगवान को अर्पित करे, इसका मतलब सच मायने में तो वो राजा हो गया। क्योंकि राजा इज सपोज टू बी, क्योंकि वो संपन्न होता है, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इसलिए वास्तव में राजा कौन है, इसीलिए हम कहते हैं महाराज। हम लोग इस कौन के सन्यासी को क्या बोलते हैं, महाराज। वो राजा है, संपन्न है, संतुष्ट है। किससे संपन्न है, दैवीय गुणों से संपन्न है, और उनका हृदय बिल्कुल संतुष्ट है कृष्ण के प्रेम से, इसलिए महाराज। बहुत अमीर है एक तरह से देखा जाए तो, चाहे उनके पास एक पैसा ना हो। और एक बहुत अमीर आदमी है, करोड़पति है, उनके दर्शन करने आता है। दर्शन, प्रभु महाराज मेरी चिंताओं को दूर कीजिए, बड़ा व्यथित है मन, बड़ा विचलित है, बड़ी समस्याएं हैं। अक्सर बड़े बड़े लोग आते हैं, आते कि नहीं, तो यानी कि वो महाराज होने चाहिए थे, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, कंगाल है, कृष्ण प्रेम से कंगाल है। तो यही हालत है। तो उर्वशी देख रही है कि ये राजा है, लेकिन ये तो बेचारा है, तुम गंधर्व है, तुम बताओ, एक काम करो, वो गंधर्वों की शरण में जाओ। हम कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, वो बता रही है कि गंधर्वों की शरण में जाओ, ये है हमारे गुरु। जब हम किसी इंद्रिय तृप्ति की विषय वस्तु को गुरु बना लें तो ऐसा ही डायरेक्शन मिलता है। और एक तरफ हम डायरेक्शन लेते हैं, हम देखते हैं ध्रुव महाराज के जीवन में, जिसमें उनकी माँ सुनीति ने ध्रुव महाराज को क्या बोला इतने बड़े संकट में। आज की डेट में अगर कोई बच्चा किसी को थप्पड़ मार दे तो माँ कहती है तेरे को मैं बताती हूँ, उसको मैं बताती हूँ, उसको ये करती हूँ। हम देखते हैं ध्रुव महाराज को कुछ नहीं कहती हो, किसको नहीं कहती है, अपने पति को, जो कि गलत तरीके से अपने ही बच्चे को गोद में रखने से मना करता है। हाँ, क्या हमारा ऐसा आचरण है, हम क्या संकट के समय पर अपने बच्चों को भगवान की तरफ मोड़ते हैं, या हम बहुमत इकट्ठा करके उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं जिसने ऐसा किया हो। यहाँ सुनीति ने अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बोला, उल्टा उसको डायरेक्शन किया, यदि तुम देखो कुछ ज्यादा तो करा नहीं जा सकता इसमें, अगर तुम्हें फिर भी कुछ चाहिए तो आप नारायण के पास जाइए, भगवान के पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा गाइड जो है लाइफ में, इसलिए कहते हैं कि डायरेक्शन का काम ब्राह्मण ही को करना चाहिए, या वैष्णव, मतलब वैष्णव को करना चाहिए जो इंद्रिय तृप्ति के भावों से, विचारों से मुक्त है, नहीं तो खड्डे की तरफ हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, है ना। एक अंधा, प्रभुपाद कहते थे, एक अंधा दूसरे अंधे को गाइड करता है, तो दोनों ही खड्डे में गिरेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लेना बड़ा जरूरी है। हम गाइडेंस ऐसे व्यक्ति से लेने लगते हैं जनरली लाइफ में क्या होता है, जो थोड़ा हमारे विचारों से मैच करता हो, तो हमें उसके विचार बड़े अच्छे लगने लगते हैं।
ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे अंदर जो कमी है वही कमी इसका मतलब उसके अंदर भी है, तो कैसे आपको गाइड कर पाएगा। गाइड के विचार अक्सर बिल्कुल डिफरेंट होंगे आपके विचार से, और कई बार इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फॉलो करना, बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जैक्टली फॉलो करना, क्योंकि आपके विचार से मैच ही नहीं कर रहा है विचार। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपके विचारों में शुद्धि, तभी तो आप संकट में है। इसलिए वो कहती है कि तुम गंधर्वों की शरण जाओ, क्योंकि वो तुम्हें मुझे प्रदान करेंगे। मैं कौन हूं? क्या आप कृष्ण हैं? क्या आप कृष्ण भक्ति हैं? क्या आप कृष्ण के भक्त हैं? मैं इंद्रिय तृप्ति की जीती जाती मिसाल हूं, मुझे पाकर तुम इंद्रिय तृप्ति के सागर में डूब जाओगे और मर जाओगे। इन वचनों के अनुसार राजा ने स्तुतियां द्वारा, वाह, राजा ने स्तुतियां करी गंधर्वों की, गंधर्वों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। हाँ, हमारे जीवन का प्रयास है, हम कहते हैं कि सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, या उसके बाद में अल्टीमेटली कृष्ण की प्रसन्नता। यही हमारे जीवन की सक्सेस की कुंजी क्या है? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। यहाँ इन्होंने गंधर्वों को प्रसन्न करने का प्रयास किया। जैसे संसार में हम बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े बड़े अमीर व्यक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, और हमने आपको बताया था कि बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने एक व्यक्ति आया जिसने कुछ डोनेशन दी थी और कुछ करने लगा वहां पे, कुछ डिस्टर्बेंस था, पर उन्होंने बोला था कि टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर आई डिस्कस विद यू, बट वो जब ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा कर रहा है, तो भक्ति सिद्धांत ने उनको तुरंत डांटा कि तुम्हें लगता है तुमने मुझे खरीद लिया कुछ डोनेशन दे के। तो जो हमारे आचार्य के लोग हैं वो किसी के धन से भी अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, अगर उन्हें मिलता है कोई दे भी देता है तो भी, क्यों? क्योंकि जानते हैं ये कृष्ण अल्टीमेटली दे रहे हैं, क्योंकि वो शुद्धता से उनका प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि गंधर्वों को प्रसन्न, उसने गंधर्वों को प्रसन्न किया, और जब गंधर्व प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उसे उर्वशी जैसी एक अग्नि स्थाली कन्या प्रदान की, एक और ऐसी सोशल गर्ल जो हम कहते हैं, इस तरह की एक लड़की दी जो कि उर्वशी जैसी ही थी बिल्कुल। यह सोचकर कि वह कन्या उर्वशी जैसी है, वह राजा उसके साथ जंगल में विचरण करने लगा, किंतु बाद में उसकी समझ में आया कि वह उर्वशी नहीं है, अभी तो अग्निस्थली है, अग्निस्थाली है। समझ में आया उसके तात्पर्य शिल प्रपात और शिल प्रपात की। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पुनर्वा अत्यंत कामी था, अग्निस्थली को प्राप्त करते ही उसके साथ संभोग करना चाहता था, लेकिन संभोग के समय उसे पता चल गया कि यह कन्या उर्वशी नहीं है, अग्निस्थली। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति जिस स्त्री के प्रति आसक्त रहता है उसके विशिष्ट लक्षणों को वह संभोग के समय जान लेता है, या इस तरह पुनर्वा संभोग के समय समझ गया कि यह लड़की वो नहीं है। तब राजा पुनर्वा ने अग्निस्थली को जंगल में ही छोड़ दिया। वस्तु है ना, अल्टीमेटली दीज आर थिंग्स, यही समस्या है हमारी। जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि यूज योर थिंग्स टू लव पीपल, हमें अपनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। पीपल आर इंपॉर्टेंट, डिवोटीज आर इंपॉर्टेंट, नॉट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। हमारे जीवन में थिंग्स जो है, वस्तुएं बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है वस्तुएं? वस्तुएं हमारा घर सबसे पहला, हमारे कपड़े, और हमारा घर का राशन, हमारे घर के बर्तन वगैरह वगैरह, बहुत सारा हमारा धन, ये वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं हमें इसलिए मिली हैं ताकि हम कृष्ण से और उनके भक्तों से प्रेम संबंध कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन लोगों से प्रेम संबंध बनाते हैं जो हमें वस्तुएं प्रदान करते हैं, यानी कि हमारे रिश्तों का आधार वस्तुएं बन जाती है। हमारे रिश्तों का आधार वो भक्त नहीं रहते या वो लोग नहीं रहते, इसलिए जीवन में खोखलापन रहता है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी होती जाती हैं, लेकिन वस्तुएं आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकती, नहीं कर सकते। आप अल्टीमेटली करते हैं, हम प्रयास करते हैं बहुत ऑटोमेटिक चीजें बनाने का, बटन दबाते हैं तो कुछ कुछ होता है, अलेक्सा बोलते हैं तो वो गाने लगता है, लेकिन अल्टीमेटली थोड़े दिनों में उन सब चीजों से बोरियत आ जाती है। ऐसे सारे गैजेट्स थोड़े दिन तक हमारे आसपास रहते हैं, उसके बाद हम उनसे उकता जाते हैं। इसलिए जिनके पास बहुत सारे ऐसे धन सामर्थ्य चीजें होती हैं, आप देखेंगे कि वो हाइपर टेंशन में चले जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो बच्चे भी एबनॉर्मल हो जाते हैं जो इन चीजों में पले बड़े होते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है, हमारी गुरु परंपरा का आशीर्वाद है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज है बच्चों के लिए खासतौर पर, कि उनको एक ऐसा माहौल मिल रहा है जो कि आज की लेट में इस तरह से रहना, सोना, उठना, खाना पीना, खेलना कूदना एक साथ, ये रेयर अपॉर्चुनिटी है, रेयर सीन है आज की डेट में। क्योंकि आज की डेट में हर कोई व्यक्ति अपने गैजेट्स के साथ ही, वही उसकी माता है, वही उसकी पिता है, उसी को देख के वो खाता है। सारे बच्चे मोबाइल को देख के खाते हैं,
तो इस तरह से जैसे हमने बताया गुरुकुल में आज की डेट में बच्चे हमारे एक साथ बैठ के एक दूसरे को देख के खा रहे हैं। यही काम अगर घर में होता तो माँ इधर से टीवी चल रहा होता, इधर से मोबाइल चल रहा होता, उधर से वो खा रहा होता। लेकिन इस बात की वैल्यू नहीं हम समझ पाएंगे, संभव गलतियां हमें फिर भी दिखती रहेंगी, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एनीवे जो भी था, यहाँ पर उसने उसको छोड़ दिया एक वस्तु समझ के, हाँ कि अब ये मेरे काम की नहीं है, घर चला आया। और फिर उसने रात भर दर्शन किए या चिंतन किया, हाँ श्रवण कीर्तन उर्वशी स्मरण, उसने उर्वशी का स्मरण किया रात भर। उसके ध्यान से ही, ध्यान के ही समय त्रेता युग का शुभारंभ हो गया। देखिए एक चेंज ऑफ टाइम आ गया। कैसे युग परिवर्तन होते हैं, कई बार लोग पूछते हैं क्या युग परिवर्तन होने पर प्रलय आती है? बिल्कुल नहीं आती है युग परिवर्तन होने पर प्रलय। प्रलय तो कब आएगी? प्रलय तो आएगी ब्रह्मा जी की रात्रि में, राइट। तो लेकिन ये तो युग तो ब्रह्मा जी की रात्रि में, एक दिन में 1000 बार युग साइकिल बदलते हैं। तो युग का साइकिल बदलता है, एक युग नहीं बदलता है। तो यहाँ पर त्रेता युग एकदम से सतयुग समाप्त हो गया और त्रेता युग का प्रारंभ हो गया। तो पूर्वा जो है हमारे इसमें राम जी की उसमें आते हैं, इसका आगे आएगा। तो उनके त्रेता युग आ गया है। अतएव वेद त्रयी के सारे सिद्धांत जिनमें कर्म की पूर्ति के लिए यज्ञ करने की विधियां थी सम्मिलित थी उनके हृदय के भीतर प्रकट। देखिए इस श्लोक से भी पता चलता है कि त्रेता युग में यज्ञ किया जा सकता था। त्रेता युग में यज्ञ की प्रिस्क्रिप्शन थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, आज के युग के लिए नहीं है। तो क्या हुआ, उस युग में अचानक से यज्ञ का प्रोसेस चालू हो गया। अब क्या करेगा पुनर्वाद देखते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि त्रेता युग में कोई यज्ञ करता है तो उस यज्ञों का फल प्राप्त होता है, विशेषता यदि कोई विष्णु यज्ञ करे तो उसे भगवान के चरण कमल प्राप्त होते हैं। निसंदेह यह भगवान को तुष्ट करने के लिए है, और किस लिए नहीं है। ये यज्ञ भी का पर्पज भी यही था। तो जब पुनर्वा उर्वशि के ध्यान में मग्न था, ध्यान युग था ना वो, सतयुग वॉज फॉर मेडिटेशन। तो वहां पे मेडिटेशन था उर्वशी का, अब है यज्ञ का, अब यज्ञ होगा उर्वशी के लिए। किंतु पुनर्वा भौतिकतावादी था, विशेषता इंद्रियों के भोग में रुचि रखता था। इंद्रिय भोग के लिए किए जाने वाले यज्ञ कर्म कांड कहलाते हैं। इसका मतलब जो संसार में लोग इतने सारे यज्ञ रोज करते हैं वो यज्ञ नहीं, ऐसा लगता है उन्हें ये वो यज्ञ है, वो तो वास्तव में कर्म कांड है। अतः उसने अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए कर्म कांडीय यज्ञ करने का निश्चय किया। दूसरे शब्दों में कर्म कांडीय यज्ञ कामी पुरुषों के निमित्त है, जो कुछ इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं कोरोना को भगाने के लिए, इंडिया की वर्ल्ड कप में जीतने के लिए, बारिश हो जाने के लिए, कई चीजों के लिए लोग यज्ञ करते हैं। कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन यज्ञ है। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर यजन्ति ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान लोग हैं, सुमेध हैं, सुमेधसा हैं, वो कलयुग में कौन सा यज्ञ करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, ये यज्ञ करेंगे। जब पुरोर्वा के हृदय के कर्म कांडीय यज्ञ की विधि प्रकट हुई, अब ये विधि प्रकट हो गई, तो वह उसी स्थान पर गया जहां उसने अग्नि स्थाली को छोड़ा था। वहां उसने देखा कि शमी वृक्ष के भीतर एक अश्वत्थ वृक्ष उगाया है। उसने उस वृक्ष के से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उसने दो अरणियां बना ली। तो पीपल का पेड़ और उसमें से दो अरणियां बना ली। उसने मतलब यज्ञ करने की सामग्री इकट्ठा कर रहा है। उसने उर्वशी के रहने वाले लोक में जाने की इच्छा से निचली अरणी में उर्वशी का और ऊपरी अरणी में अपना ध्यान तथा बीच में कास्ट में, बीच के कास्ट में अपने पुत्र का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चार किया। यान्ति देवा वृता देवान पितृन यान्ति पितृवता। तो पितृ संबंधी जिस चीज का ध्यान करेंगे, जिस चीज के लिए हम करेंगे, उसी डेस्टिनेशन पे हम प्राप्त। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी पूछ लो, किसी भी तरीके से पूछ लो, सभी की बात है। संसार में आज के डेट में भारतवर्ष में तो यही एक मत बन गया है कि सारे मत सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको भी पूजा कर लो, अल्टीमेटली वहीं पहुंचे, अरे सब भगवान है, सब भगवान है। और हमसे लोग अक्सर नाराज होते हैं, आप जानते हैं, आप जानते होंगे इस कौन के लोगों से अक्सर लोग नाराज होते हैं। अरे आप तो बुराइयां करते हैं। अरे बताइए हमने कब किसी देवी देवता की बुराई करी? क्या ये बताना कि ये ACP है, ये DCP है, या ये कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ये क्या अपराध है? इतना ही तो बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये भी अच्छे लोग हैं, बट प्रभु जी ये हवलदार है, ये भी तो समझो, और ये है ये कमिश्नर है, आपको यही तो बताया, इसमें क्या गलत बताया? और अगर इसमें हवलदार को बुरा लगता है तो हवलदार हवलदार रहने के लायक नहीं है। जिस हवलदार को ये पता लग रहा है मेरे को हवलदार बोल रहा है, तो हवलदार को क्या बोले? और
लेकिन हवलदार को प्रणाम कर रहे हैं, ये पुलिस का आदमी है ओके, बट हवलदार को हवलदार बोला जाए तो क्या गाली, क्या है अंधे को अंधे बोलने जैसा है? ऐसा तो नहीं है कि हमने अंधा बोला, हवलदार बोला या इंस्पेक्टर बोला, अब कमिश्नर कैसे बोलते हैं इंस्पेक्टर को? तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते नहीं 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 आप लोग तो अपना ही अपना चलाते हैं, अपना ही फैलाना चाहते हैं। एक दो दिन पहले यहाँ पे एक पार्क की रचना हो रही है, हमने बोला, हमने कोशिश करी कि उसका पार्क हरे कृष्णा का नाम करा दिया जाए, वहां के लोग भड़क गए, आप लोग तो चाहते हो बस आपका हरे कृष्णा ही चारों तरफ फैल जाए। अरे आपका भी तो हरे कृष्णा है, हमारा ही थोड़ी है, हरे कृष्णा तो सबके हैं, और यही तो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि सब चारों तरफ फैल जाए, और आपके रोकने से कौन सा रुकी जाएगा, ये तो फैलेगा ही। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सारे रास्ते एक ही तरफ को पहुंच जाते हैं, ऐसा होता तो भगवान श्लोक ही बोलते हैं, यान्ति देवा व्रता देवान पितरन यान्ति पितृवता, भूतेन यान्ति भूतेज, सब जगह अलग अलग डेस्टिनेशन पे आप पहुंचेंगे। इसलिए उसने क्या किया, उर्वशी का ध्यान किया, अपने पुत्र का ध्यान किया और अपना ध्यान किया और अग्नि को प्रज्वलित करने लगा। तो यज्ञ के लिए वैदिक अग्नि सामान्य, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग, वो तो यज्ञ कर रहा था, हम लोग हरे कृष्णा मंत्र जपें और हरे कृष्णा मंत्र जपते हुए सोचें हरे कृष्णा इंटरव्यू दिया है निकाल देना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाँ ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, हरे कृष्णा इसको भक्त बना दो ताकि इससे शादी हो जाए, हरे कृष्णा कृष्णा, ऐसी इच्छाएं करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ जो भक्ति मिलनी चाहिए थी वो भक्ति नहीं मिलेगी, यही सब मिलेगा सारा का सारा बेकार हो जाएगा मामला। फिर एक और जन्म, भरत महाराज की जीवन से एकदम से ध्यान रखो कैसे विचलित हुआ जा सकता है, कैसे एकदम टॉप की पोजीशन पे पहुंच के भी आदमी गिर जाता है। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि इल्यूजन में नहीं पड़ना है, ध्यान रखिए बहुत सारे ग्लिटरिंग थिंग्स हमें दिखेंगी, हमें अट्रैक्ट करेंगे, इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा, ध्यान रखना है उसे कैसे बचना है, लेकिन ये नहीं बच पाए। हाँ पुनर्वा नहीं बच पाए, क्यों नहीं बच पाए, पुनर्वा का ना तो कोई शिक्षा गुरु है ना कोई दीक्षा गुरु है, कौन रोकेगा कौन डांटेगा? कई बार भक्त परेशान हो जाते हैं, बहुत डांट पड़ रही है प्रभु जी। हाँ अब देखिए अभी इसको डांट पड़ी होती तो ये बच जाता ना, अभी तो इसको डांट नहीं पड़ रही है, ये अब मन मर्जी चला रहा है और ये यज्ञ कर रहा है, किसको, उर्वशी के लिए कर रहा है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैदिक यज्ञ अग्नि को अरणियों से जलाया जाता था, ये अरणियां लकड़ी के दो शुद्ध खंड होते थे जिन्हों तीसरे खंड से रगड़न से अग्नि उत्पन्न होती थी। यज्ञ करने के लिए ऐसी अग्नि आवश्यक होती है, आज की डेट में केमिकल होता है तो माचिस के आगे जो केमिकल लगा होता है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप माचिस से अगरबत्ती या कुछ जलाते हैं तो आपको फिर से आचमन करना चाहिए बस, क्योंकि एक तरह से हम केमिकल को टच कर रहे हैं। तो लेकिन उस वक्त तो अरणिया थी और उससे अग्नि जलाई जाती थी। तो इस तरह पुनर्वा ने अपनी कामेच्छाओं को पूरा करने के लिए यज्ञ की प्रक्रिया का सहारा लिया, उसने निचली अरणि को उर्वशी मान लिया और ऊपरी अरणि को स्वयं मान लिया, और बीच में कौन है, उनका पुत्र है मैं और मेरा परिवार, क्या कहते हैं उसको, हम दो हमारे दो, और या हम दो और हमारे एक, बस ये है जीवन, बहुत ही बढ़िया जीवन बीत रहा है, ये तेरा घर और ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक प्रासंगिक मंत्र का उद्धृत किया है, जो कि है शमी गर्भाद अग्नि मंत्र। इसी प्रकार का एक और मंत्र है, उर्वश्याम उरसी पुनर्वा, पुनर्वा उर्वशी के गर्भ से निरंतर संतान चाहता था, उसका एकमात्र ध्येय यह था कि वह उर्वशी से संभोग करे जिससे पुत्र प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में उसके हृदय में इतनी वासना थी कि जब वह यज्ञ कर रहा था तो उसके मन में यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान ना होकर उर्वशी का ध्यान आता था। इसलिए हम भी सोच सकते हैं कि जब हम सवेरे माला लेके बैठते हैं तो कौन कौन सी पुत्र, कौन सी उर्वशी या पत्नी, या कौन कौन और दिमाग में आता है, कौन कौन से काम हमारे दिमाग में आते हैं, वो वास्तविक वास्तविक काम वासना से उत्पन्न काम है, एक्टिविटीज है या वर्क शेड्यूल है, वो इन्हीं सब चीजों से उत्पन्न होता है। पुनर्वा द्वारा अरणियों के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई, ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में पूर्ण सफलता मिल सकती है। ऐसी अग्नि हम पैदा करते हैं कैसे, हम भी अग्नि जली है ना, कई लोगों में अग्नि देखी आपने, रात के 10 11 12 1 बजे तक काम करा लो, अग्नि जली हुई है, जबरदस्त अग्नि जल रही है, वो सोने नहीं देती उनको। कई हमारे भक्त हैं उनके अंदर भी अग्नि जल रही है, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं शाम को उस अग्नि में कुछ पानी डाल दीजिए अगर ये, ताकि वो अग्नि शांत हो और आप सो पाए, वो आपके अंदर भी इतनी अग्नि जल रही है कहीं वो जला ना दे आपको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समय पर सोएं और समय पर उठें। तो ऐसी अग्नि जो जलती है प्रभुपाद कह रहे हैं उसे भौतिक भोग में सफलता मिलती है। यस दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ पैशन में हमेशा अग्नि जलती है। जैसे हम शेर को देखते हैं, इवन चिड़ियाघर के अंदर भी
एक छोर से दूसरे छोर, दूसरे छोर बैठता नहीं है, थोड़ी देर बैठता है फिर बेचैनी है, कुछ तो करना है। वैसे ही जो बहुत ही कर्मठ लोग हैं वो कुछ करते रहते हैं, किसी तरह से उन्हें कृष्ण भावनामृत में ला दिया जाए तो बहुत सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि वो वहां भी कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसके समय आने पर इसको ब्रेक मारना भी बहुत जरूरी है। मशीन को कंटिन्यूसली चलाने से मशीन फूक जाती है, इसलिए समय आने पर रात्रि 9 बजे आपको सब कुछ स्विच ऑफ कर लेना चाहिए, कंप्यूटर को स्लीप मोड में या शट डाउन मोड में डाल देना चाहिए। ओके, तो भौतिक भोग में सफलता मिलती है और वह संतान उत्पत्ति दीक्षा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिन्हें ओम शब्दों के द्वारा आह्वान किया जा सकता है। इस प्रकार वे अग्नि राजा पुरुरव का पुत्र मान ली गई। वैदिक विधि के अनुसार मनुष्य को वीर्य द्वारा पुत्र प्राप्त हो सकती है, इसको हम शुक्र जन्म कहते हैं, और दीक्षा द्वारा भी प्राप्त हो सकती है, प्रमाणिक शिष्य प्राप्त हो सकता है जिसको हम सावित्र कहते हैं, और यज्ञ द्वारा पुत्र या शिष्य प्राप्त हो सकता है जिसको हम याज्ञिक कहते हैं। इस तरह जब महाराज पुरुरव ने अरणियों के मंथन से अग्नि उत्पन्न की तो अग्नि उसका पुत्र बन गई। मनुष्य को वीर या दीक्षा या यज्ञ द्वारा पुत्र लाभ हो सकता है। ओंकार या प्रणव वैदिक मंत्र में 3 अक्षर ओम होते हैं जो इन तीनों विधियों का आह्वान कर सकते हैं। अतएव ये जो निमंथाना जात शब्द बतलाते हैं कि अरणियों के रगड़ने से पुत्र उत्पन्न हुआ। उर्वशी लोग जाने के इच्छुक पुरुरवा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया जिससे उसने यज्ञ फल के भोक्ता भगवान हरि को तुष्ट किया। अब वो जो अग्नि आ गई, उस अग्नि से इन्होंने भगवान की सेवा करी एक तरह से, लेकिन पर्पस क्या था? पुत्र की प्राप्ति, या पुत्र की प्राप्ति भी नहीं था, पुत्र की प्राप्ति के पीछे पत्नी की प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति के पीछे इंद्रिय भोग, तो इंद्रिय भोग पत्नी से करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होगी। हाँ, इस प्रकार उसने इंद्रियानुभूति, जैसे हमने कई एक बार कहानी सुनी थी कि एक लेडी ने को कोई आशीर्वाद चाहिए था, आई थिंक शिव जी से, तो शिव जी ने पूछा एक मिलेगा बस और तो नहीं मिल पाएगा, तो उसने अब वो पति मांगे, पुत्र मांगे, धन मांगे, तो उसने मांगा मैं आपसे ये मांगती हूँ कि मैं अपने पुत्र को बहुत बढ़िया से बहुत बढ़िया ऑपुलेंट खाना खिला पाऊँ। तो बड़े चतुर थी, तो समझ गया पुत्र की प्राप्ति हो, बढ़िया खाना मिले, तो पुत्र के लिए पति चाहिए ना, और ये बढ़िया राजमहल चाहिए एक से ही। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि भगवान मांगे जा रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मांगे जा रहे हैं, भगवान मांगने के पीछे बहुत सारी इच्छाएं हैं। इस प्रकार उसने इंद्रिय तृप्ति इंद्रियानुभूति से परे एक समस्त देवताओं के आगार भगवान की पूजा इस प्रकार से करी। अब क्योंकि इसने इनडायरेक्टली डायरेक्टली भगवान की पूजा करी, इससे क्या फायदा होगा या बाद में सुनेंगे, अभी तो केवल इतना ही, क्योंकि अभी तो इच्छा है। इसलिए कहते हैं कि निष्काम सर्व काम मोक्ष काम व्हाटएवर कुछ भी उदार रीति ऋण भक्ति योग वर्जेत पुरुषम परम, किस प्रकार से बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्या कीजिए भगवान के पास जाइए, कोई इच्छा नहीं है तो क्या कीजिए भगवान के पास जाइए, मोक्ष की इच्छा है तो क्या कीजिए भगवान के पास जाइए। इस प्रकार से आगे सूनर और लेटर हमारे अंदर वो शुद्धिकरण अवश्य होगा जैसे ध्रुव महाराज के साथ हुआ। तो इसलिए उन्होंने भगवान की पूजा करी। भगवत गीता में आया है कि चाहे जिस लोग को भी जाने की इच्छा की जाए, वह यज्ञ के भोक्ता भगवान की संपत्ति है, यज्ञ का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट। इस युग में जैसा हमने कई बार बताया, भगवान को तुष्ट करने के लिए एकमात्र यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। भगवान के तुष्ट होने पर भौतिक या आध्यात्मिक कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। या ये कहें कि जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो कोई भौतिक इच्छा शेष ही नहीं रहती है, क्योंकि जब हमें हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट छूट जाता है, हमें बहुत स्वादिष्ट चीज मिलती है तो कम स्वादिष्ट चीज हम कोई बात नहीं उनको दे दो, भैया को दे दो भैया को। भगवद गीता का भी ये कथन है, भगवान विष्णु को यज्ञ अर्पित करने से पर्याप्त वर्षा होती है, वर्षा होने से भूमि में अन्न उत्पन्न होता है, उसका उपयोग हो सकता है, जैसे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। भौतिक संपत्ति की सारी वस्तुएं भूमि से उत्पन्न होती हैं, अतएव उसे सर्व काम दुधामही कहा गया है। तो यज्ञ संपन्न करने पर भी सभी कुछ संभव है। इस प्रकार से बता रहे हैं कि यदि यज्ञ करेंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे सब कुछ चलेंगी। यज्ञ क्या बताया अभी? यज्ञ बताया कलयुग में कि हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग का यज्ञ है। अतः पुरुरवा ने भौतिक वस्तु चाहकर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथार्थ में यज्ञ संपन्न किया, भगवान को किसी तरह से प्रसन्न कर दिया। फलस्वरूप जीव को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई ना कोई यज्ञ करना ही होता है, लेकिन आजकल का जमाना इतना धूर्त हो चुका है कि वो मानता ही नहीं है कि कोई हायर पावर है, वो तो ये सब मानता है कि मेहनत करूंगा और खाऊंगा, कोई और एक्सटर्नल पावर नहीं है,
कोई देवी देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मेहनत ही सब कुछ है, करके ही, एंडीवर करके ही सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए वो दिन रात लगा रहता है, इसलिए उसको कभी शुद्धि नहीं हो पाती। यहां पर क्या होता है, यदि वो देवताओं को भी पूछता है, अगर यदि भगवान को पूछता है धीरे धीरे, देवताओं से धीरे धीरे वो आगे जाता है, तो एक ना एक दिन उसकी शुद्धि जरूर होती है, क्योंकि वो किसी हायर पावर को मान रहा है। लेकिन आजकल के समाज में धीरे धीरे ये समाप्त होता चला जा रहा है। मानव समाज में यज्ञ तभी संभव है जब समाज वर्णाश्रम धर्म द्वारा चार वर्णों और चार आश्रमों में बटा हो। ऐसे विधान के बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकता, और यज्ञ संपन्न किए बिना चाहे कितनी योजनाएं क्यों ना बनाई जाए, मानव समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। और उपाध कह रहे हैं कि जो चतुर्वर्ण है भगवान का, ये जो वर्णाश्रम है, इसके बिना यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप सुनिए। यज्ञ करते समय एक पुरोहित की आवश्यकता, माना कि फिजिकल जो यज्ञ होता है, अग्नि वाले यज्ञ की बात करें, तो अग्नि में एक है जो है पुरोहित है, जो यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उसके पहले किसी ने वो वेदी को बनाया होगा, कोई वो सामग्री लेके आया होगा, किसी ने धन दिया होगा, कोई उस यज्ञ की सुरक्षा कर रहा होगा, तभी तो यज्ञ चले पाएगा। अब सुरक्षा करने वाला यज्ञ की क्षत्रिय हो गया, सामग्री लाने वाला माना आपका, सामग्री लाने वाला आपका शूद्र हो गया, उसमें धन देने वाला माना वैश्य हो गया, और ब्राह्मण हो गया करने वाला, तो कैसे संभव होगा। अगर उसी ब्राह्मण को बोला जाए कि यू हैव टू डू एवरीथिंग, तो वो कैसे कर पाएगा। उसी तरह समाज में ऐसा नहीं है, जाति प्रथा है, ये जाति प्रथा नहीं है जिसको जाति प्रथा बना दिया गया है, ये तो नेचुरल इंक्लिनेशन है। कई व्यक्तियों के अंदर इतना ज्ञान होता है कि वो समझा सकते हैं, कई व्यक्तियों के अंदर भाव होता है वो सेवा कर सकते हैं, कई व्यक्तियों के अंदर धन भगवान की कृपा से धन मिला होता है जिसको धन को दे सकते हैं, कई लोगों के अंदर एकदम से सुरक्षा करने की टेंडेंसी होती है, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। हाँ, आपने देखा ना कई बार कोई झगड़ा किसी जगह में होता है तो कुछ खास मुखिया होते हैं आपके ग्रुप में, वो आगे पहुंचाते हैं, हाँ जी हाँ जी बताइए बताइए, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है जी बताइए बताइए, वो मसलों को सुलझाने में उनके अंदर ये भाव है, तो इसलिए इस तरीके से कंप्लीट होल बन पाता है। तो ये कोई आर्टिफिशियल जाति प्रथा नहीं है, जाति प्रथा तो हम लोगों ने इसको बना दिया है। तो इस तरह से प्रथम युग सतयुग में सारे वैदिक मंत्र एक ही मंत्र प्रणव में सम्मिलित थे, जो सारे वैदिक मंत्रों का मूल है, प्रणव मतलब ओंकार। दूसरे शब्दों में अथर्व वेद ही समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत था। पहले आप जानते हैं कि चारों वेद भी एक ही वेद थे, बाद में इनको क्लासिफाई किया गया वेद वेदव्यास द्वारा और चार वेदों में कन्वर्ट किया गया। भगवान नारायण ही एकमात्र आराध्य हैं या थे, और देवताओं की पूजा की संस्तुति पहले नहीं की जाती थी। ये तो धीरे धीरे सब स्टैंडर्ड, ये तो गिरा है हमारा स्टैंडर्ड। क्यों गिरा है जानते हैं, क्योंकि कई बार जिसको खुश करना है उसके नीचे कई सारे लोग होते हैं जिनको करप्ट करना आसान हो जाता है। जैसे सरकार के अंदर सरकार ने कुछ नीतियां बनाई, अब उस नीति के अनुसार से कोई धन एक पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहिए था। जैसे मैंने हमारे जमाने में सुना था जवाहर रोजगार योजना थी, आजकल पता नहीं है कि नहीं। अब उसमें मेरी बहुत पुरानी बात है, पता नहीं 25 साल पहले समथिंग लाइक दैट, हमने देखा कि वो जवाहर योजना की योजना के पैसे उन लोगों के लिए थे जो कि कोई नया रोजगार चलाने जा रहे हैं, लेकिन वो सारे जो रोजगार चला रहे हैं उन्हीं लोगों के पास वो पैसा जाता था समहाउ। इस तरह से बीच में उन्होंने कुछ कुछ ऐसा कर दिया था। तो ये जो हमारी करप्शन है हमारे दिमाग में इंद्रिय तृप्ति, इसके कारण हम क्या करते हैं, नीचे के लोगों को करप्ट करना शुरू करते हैं। एक आदमी के अंदर करप्शन आती है, वो करप्शन फैलाना चाहता है, और नीचे के लोग कई बार अक्सर बड़ी आसानी से करप्ट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कुछ दे देते हैं, और धीरे धीरे वो कस्टम बन जाता है, उसको हम सर्विस फी कहते हैं। हाँ, रिश्वत को क्या बोलने लगते हैं, सर्विस चार्जेस। तो इस तरह से देवताओं की पूजा इसी प्रकार से प्रारंभ हुई, पहले नहीं थी बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब देखा रहे भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप कहते हो 16 माला करो, आप कहते हो एकादशी करो, जल्दी उठो, ये करो वो करो, ये तो हम नहीं कर सकते। कोई टोटका बताइए पंडित जी, कोई तरीका बताइए। ऐसा होता है ना, कई लोग पूछते पंडित जी को तरीका बताइए, पंडित जी फोटोग्राफी में रात के 1 बज गए हैं और अभी थोड़ी फोटोग्राफी और होनी है शादी में, 2 बज जाएंगे, शादी 3 बजे तक खत्म होनी थी और आपके यज्ञ शुरू होना था 12 बजे, अब आप 1 घंटे में तरीका बताइए कैसे निपटाएंगे इसको। तो ऐसा निपटाया जाता है आजकल हर चीज को ना, तो इसलिए हम लोग कोई तरीके ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, किसी को करप्ट करते हैं और वो करप्ट हो भी जाता है और नए नए तरीके निकल लगता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे न जाने कैसे कैसे देवता पैदा हो गए। कई बार ऐसे ऐसे देवता देखते हैं जो समझ नहीं आता, भैया क्या किसको पूछ रहे हो, कर क्या रहे हो। तो ऐसे अनेक 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 देवी देवता निकलते जा रहे हैं, वो वही है कि किस किस को आप करप्ट कर पा रहे हो अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए।
इसी कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन पहले बता रहे हैं कि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, देवी देवताओं की पूजा की संस्कृति नहीं की जाती थी, अग्नि केवल एक थी और मानव समाज में केवल एक वर्ण था जो हंस कहलाता था। दिस इज सतयुग। सतयुग में चार वेद नहीं थे, प्रभुपाद कह रहे एक ही वेद था। बाद में कलयुग के शुरू होने पर यह वेद अथर्ववेद या कुछ लोग उसे यजुर्वेद कहते हैं, चार भागों में विभक्त हो गया। पहले अथर्ववेद था, अब यह बन गया साम यजु ऋग तथा अथर्व। सतयुग में केवल एकमात्र मंत्र ओंकार था, ओम तत्सत। यही ओंकार नाम हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट है। जब तक कोई ब्राह्मण ना हो वह ओंकार को उच्चारण नहीं कर सकता, वांछित फल नहीं प्राप्त कर सकता। किंतु कलयुग में लगभग सभी शूद्र हैं, इसलिए प्रणव या ओंकार का उच्चारण करने में अयोग्य है। हर कोई व्यक्ति आजकल गायत्री मंत्र है, ओम भूर भव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। शास्त्र बता रहे हैं कि ये मंत्र सबके लिए नहीं है, इस मंत्र को जप के फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए कुछ योग्यता चाहिए। इसीलिए तो आपके लिए हरे कृष्ण मंत्र बनाया गया कि इसके लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको योग्य बनाने के लिए। लेकिन जो भी है, फलत शास्त्रों ने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की संस्तुति की है। ओंकार एक मंत्र या महामंत्र है और हरे कृष्ण भी महामंत्र है। ओंकार के उच्चारण का उद्देश्य भगवान वासुदेव को संबोधित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेव। और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने का भी यही उद्देश्य है। लेकिन एक के अंदर योग्यता है और एक भगवान ने डिस्काउंटेड दे रखा है, डिस्काउंटेड कलयुग में डिस्काउंट टाइम पे ये वाला मंत्र दिया हुआ है। हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति तथा राम का अर्थ है परम भोक्ता परमेश्वर। एकमात्र आराध्य भगवान हरि है जो वेदों के गंतव्य है, और कोई आराध्य नहीं होना चाहिए, बाकी सब उनके हैं। ओके, देव वी शुड रिस्पेक्ट ऑल दिस डेमिगॉड्स, देवताओं की रिस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन आराध्य तो केवल भगवान है। जिस प्रकार कोई वृक्ष की टहनियों को सींचे तो उससे काम नहीं बनेगा, उसके पेड़ों की जड़ में पेड़ में डाल दे तो टहनियों को सिंचाई अपने आप मिल जाएगी, उसी तरह परमेश्वर की सेवा करने से सभी देव देवताओं को भी उचित उनका योगदान मिल जाएगा। सतयुग में लोगों को पता था कि मात्र नारायण की पूजा करके जीवन की आवश्यकता कैसे पूरी की जा सकती है। वही काम प्रभुपाद कह रहे हैं, क्या किया जा सकता है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम विजयेत। हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है और भगवान के धाम में चला जाता है। इस प्रकार से हे महाराज परीक्षित, त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुरोरवा ने कर्मकांड यज्ञ का सूत्र पात किया। तो बता रहे हैं ये जो यज्ञ निकले, कर्मकांड कहां से निकले, ये पुरोरवा जी से निकले। पुरोरवा जी की जो इच्छा थी, जो उर्वशी वो करते रहते थे, उस चक्कर में ये कर्मकांड बन गए। लेकिन इससे पहले केवल भगवान के लिए यज्ञ संपन्न किए जाते थे। जैसे हम देखते हैं कि इंद्र ने जब अपना बहरूपिया बन के राजा पृथु के साथ गड़बड़ करी तो वहां से वो सन्यासी बन के आ गए घोड़ा चुराने के लिए। तो शास्त्र बताते हैं कि तब से सन्यासियों का करप्शन हुई, जो चोगा पहन के गली गली में घूमते रहते हैं, शनि का दान महादन महाकल्याण बाबा, ये जो गली गली में घूमते हैं झोला टांगे, ये जो है इस तरह से बहरूपी सन्यासी तभी से निकले जब से इंद्र ने वो धोखा किया। और यहाँ ये पुरोरवा जी ने कर्मकांड कर दिया उर्वशी के लिए, और तब से ही कर्मकांड चालू, क्योंकि वो प्रारंभ के व्यक्ति थे, इतने बड़े राजा थे, और यद यद आचरित श्रेष्ठ, जैसा आप करेंगे वैसा ही आगे की आने वाली पीढ़ी करेगी, आपके बच्चे करेंगे। तो इस प्रकार से पुरोरवा के होने से ये हुआ। इस प्रकार याकिक अग्नि को पुत्र मानने वाला पुरोरवा इच्छा अनुसार गंधर्व लोक जाने में समर्थ हुआ, चला ही गया। यान्ति देवा व्रता देवान, देवलोक में चला गया, गंधर्वों के पास चला गया, और वहां पर उसने खूब अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन 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 एक बहुत बड़ा बट है इसमें, ये चैप्टर तो यहीं समाप्त होता है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, लेकिन एक और चैप्टर आएगा, आप देखेंगे आगे के कैंटोज में। यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाती है, इसलिए भागवत को पूरा पढ़ना जरूरी है, पूरा सुनना आवश्यक है। कोई सोचेगा अगर केवल यही चैप्टर पढ़ेगा तो ये तो पा गया अपने गंतव्य को, पा गया इसको उर्वशी मिल गई, हाँ गुरुदेव हमें भी बताइए हमें मेनका कैसे प्राप्त होगी, इसको तो उर्वशी मिल गई। लेकिन अगर आप आगे का चैप्टर पढ़ेंगे जब हम आपको आगे सुनाएंगे, जो कि इसके अगला चैप्टर नहीं है, एकदम अलग कैंटो ही डिफरेंट है, उसका नाम है ऐल गीत, टोटली डिफरेंट कैंटो। किसी को अगर पता नहीं होगा तो समझ नहीं पाएगा, वो कहेगा अरे ये तो प्राप्त हो गया भैया, मजे आ गए इसके तो। इसलिए आगे हम सुनाएंगे आपको कि कैसे मजे आए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।